धनबाद के केदवाडी थाना इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब गोधर पुराना एरिया ऑफिस के पास दिन दहाड़े बाइक सवार दो अपराधियों ने एक महिला के हाथों से 2 लाख रुपए से भरा थैला छीन लिया और फरार हो गए। भुक्तभोगी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच में जुट गई। वहीं घटना के मामले में भुक्तभोगी रिटायर्ड BCCL कर्मी ने बताया कि बेटे की शादी की खरीदारी के लिए धनबाद बैंक मोड़ स्थित कैनरा बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर टेम्पो में बैठकर अपनी पत्नी राधा देवी के साथ अपने घर गोधर जा रहे थे, तभी सड़क पार करने के दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। शादी लगा हुआ था, इसलिए सामान लेने के लिए पैसा निकाले 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया वो निकाल करके टेम्पो में बैठे, टेम्पो यहाँ उतारे, उतरे, उसके बाद बीचे में हम लोग दोनों खड़ा है, अब बीचे से मैं घुसा करके गाड़ी और इसका हाथ से छीन चल। 2 लाख रुपया। 2 लाख कौन बैंक से निकाल के आ रहे? केनरा बैंक। घर में शादी था? शादी था, लड़का का लगा हुआ पैसा। केनरा बैंक। हाँ, केनरा बैंक हम गए, हमको बुलाया। हाँ, हम गए। हाँ, तो हम इतनी अथी ले गए, अंगूठा लगाए, उसके बाद पैसा मिला। जी। पैसा प्लास्टिक में डाल करके फिर झोला में डाले। कितने पैसा था? 2 लाख रुपया। और उसके बाद मेरा हस्बैंड बोला कि पैसा बढ़िया से लो, आजकल झुक जमाना ठीक नहीं है। फिर भी हम काट के लपेट कर पूरा दी करके अंगूठा में फंसा करके अब लेकर के आ रहे थे, तो इनको दे दिए फिर पैसा। तो बोला कि रुको, मेरा बहुत जो थी प्यास लगा, हमारा पानी पीने दो। पानी पीने लगा, पैसा मेरा ही पास रह गया। हम टेम्पो में बैठ करके आए, यहाँ पर आए, उतरे। कहाँ उतरे? यहाँ रोड पर। वहाँ से का किया कि उधर से बाइक वाला पहले से खड़ा था, बहुत पहले से खड़ा था लग रहा है। कितने लोग था वहाँ? 2 आदमी था वहाँ पर ही, तो एक तो अच्छी था। अच्छा, बाइक पे कितने लोग? 2। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।